Welcome back to my channel, Shysters. I'm Saima. Nike का hot pink sale चल रही है. मैंने बहुत पहले बहुत सारा सामान मंगाया था थोड़ा थोड़ा करके, इसलिए मैं कोई भी haul अगर Nike का share करती हूँ तो थोड़ा time लगता है, just because एक साथ कभी भी shopping नहीं करती हूँ. जब भी मुझे अच्छी deals मिलती हैं या मुझे कुछ लेना है जो मेरी wishlist में है और मुझे उस पर अच्छे offers मिल रहे हैं या फिर मेरा दिल गया नहीं instantly मुझे कुछ लेना है तो मैं वो ले लेती हूँ. और काफी time तक actually मैं उसे संभाल के रखती हूँ ऐसे डब्बों में. मैं उसे use तक नहीं करती, कभी कभी use कर लिया तो कर लिया था, मैं use ही नहीं करती हूँ. By the way, ये स्पॉन्सर नहीं है. सारे प्रोडक्ट्स मैंने अपने पैसों से लिए हैं. एंड मैं आपको एक मेकअप लुक आपको दिखाऊंगी. इट्स लाइक ब्यूटीफुल मेकअप लुक जो मैंने इन मेकअप प्रोडक्ट्स को यूज करके किया. साथ ही साथ में जो रिकमेंडेशन होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. तो वीडियो अच्छा लगे तो वेरी हैप्पी टू सिंपली लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल. ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. जब भी मैं नायका लक्स यानी नायका लक्स से शॉपिंग करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे सोचा करती थी. आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी तरह बिल्कुल सोचते होंगे इस टाइम पे, स्पेशली जब आप कॉलेज जा रहे हो, टीनेज हो, कि कभी मेरे पास पैसे होंगे तो मैं ये खरीदूंगी, कभी मेरे पास पैसा होगा तो मैं भी इतनी शॉपिंग करूँगी. तो सेम लाइक यू गाइज, मैं भी ऐसे सोचती थी कि पता नहीं मैं कब इतने महंगे ब्रांड्स ले पाऊंगी, अफोर्ड कर पाऊंगी. बट या सबका एक टाइम आता है हार्डवर्क करके, बहुत मेहनत करने के बाद जाके, बहुत इंतज़ार एक्चुअली करने के बाद आपको अच्छे फल मिलते हैं, कहते हैं सबर का फल मिलता है. तो सेम ऐसे ही है, जब भी मैं नायका से शॉपिंग करती हूँ तो आई ऑलवेज से थैंक्स टू माई गॉड, थैंक्स टू माई अल्लाह एंड थैंक्स टू यू गाइज कि मैं इस मुकाम पर हूँ और हर चीज़ अफोर्ड कर सकती हूँ. इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है ये जो हॉल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. आप भी अगर कुछ लेना चाहते हो तो एक टाइम पर सब कुछ नहीं ले सकते हो. ऑलवेज प्लान कि आपको एक टाइम पे एक चीज लेनी है और आप हर चीज अफोर्ड कर पाओगे एक टाइम पे. आई एम प्रिटी श्योर, लाइक मैं पूरा यकीन करती हूँ. तो चलो दो बॉक्स है हमारे पास. सबसे पहले ब्रांड, अभी मैंने अभी क्या थोड़ा टाइम पहले मैंने नायका पे एक इवेंट अटेंड किया था, नायका समर का. उस टाइम पे न्यूड स्टिक्स एक ब्रांड है तो उसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मैंने ट्राई किए थे. बट ये एक एक्सपेंसिव ब्रांड है तो मैं ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे. बट दो चीज़ें मुझे लेने का बहुत दिल किया तो मैंने ये न्यूड स्टिक का ट्रियो किट एंड दिस इज न्यूड स्टिक हाईलाइटर स्टिक लेने की ट्राई करी. सो मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ ये वाला जो कि है न्यूड स्टिक की आई फेस एंड लिप्स ट्रियो. इसमें आपको तीन मिलते हैं शेड्स, ब्लूम, ब्रॉन्जर एंड ग्लो, हाईलाइटर, ब्रॉन्जर एंड ग्लो. एंड आई फील ये वर्थ इट है. अगर आप एक हाई एंड ब्रांड को ट्राई करना चाहते हो ऑलवेज गो विद मिनी साइजेस क्योंकि वो जल्दी फिनिश हो सकते हैं और वो आपके बजट में भी आ जाएंगे. उसमें कम प्राइस आपको पे करना पड़ेगा और ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हो. तो ये है हाईलाइटर, न्यूडीज हाईलाइटर, गोल्ड, ब्रॉन्जी गोल्ड, एक्चुअली इट्स नॉट अ गोल्ड, इट्स अ ब्रॉन्जी गोल्ड हाईलाइटर एंड ये क्रीम प्रोडक्ट्स हैं. एंड दिस इज अ ब्लश, अ कोरल ब्लश जो आई फील कि आप एज आई टिंट की तरह यूज कर सकते हो. बट ये फेयर स्किन टोन के लिए बहुत अच्छा है. तो इसमें अलग अलग किट्स के शेड्स हैं एंड दिस इज अ डीपर कलर जो कि एज अ ब्रॉन्जर एंड कॉन्टोर भी होता है. आई फील कॉन्टोर कम क्योंकि ये ब्रॉन्जी कलर तो है बट इसमें ऑरेंज का टिंच है तो जो कि ब्रॉन्जर पे अच्छा नहीं लगे. बट यू कैन यूज दिस एज अ ब्लश. तो ये मुझे बहुत क्यूट लगे. आई फील कि ये मेरे सही बाय था जो मैंने लिया. एंड आई बॉट दिस न्यूड स्टिक का हू मी नॉटी हाईलाइटर एंड मैंने इसको बहुत रिसर्च किया. रिसर्च एज लाइक मैंने बहुत सारे रिव्यूज देखे, वीडियोज देखे एंड देन जाके मैंने इसे बाय किया. ये स्मॉल साइज में अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने फुल साइज में से बाय किया. आई मीन द शेड इल्यूमी नॉटी, इसमें तीन शेड्स आते हैं एंड दिस इज अ वेरी प्रिटी प्रिटी शेड नो डाउट. एंड इट कम्स विद अ ब्रश एक साइड पे और एक साइड पे हाईलाइटर. ये वो शेड है जो मैं हमेशा, आप लोगों को पता है मैं लगाती हूँ. बट इसका जो फॉर्मूला है, क्रीम तो है इट्स लाइक अ बामी फॉर्मूला, इट्स वेरी ऑयली. इट इज ग्रेट फॉर ड्राई स्किन पीपल. आई एम नॉट गोइंग टू सजेस्ट यू गाइज कि अगर आप ड्राई ऑयली स्किन पीपल हो, कॉम्बिनेशन हो तो आप इसे लो. और नॉर्मल स्किन टाइप तो आई कैन वर्क विद इट. बट एंड आई कैन से कि ये इतना वर्थ बाइंग नहीं लगा मुझे क्योंकि एक्सपेंसिव है. प्लस मैं उतना ज़्यादा इसे यूज़ नहीं कर सकती. हाँ, विंटर्स में आई कैन यूज़ दिस अपने हायर हाइस्ट पॉइंट्स पे अप्लाई करके ग्लो करने के लिए. बट अभी फिलहाल के लिए आई फील कि आप इसमें इन्वेस्ट ना करो तो बेटर है. तो यस, बट मुझे मैंने इन्वेस्ट किया तो डेफिनेटली आई विल यूज़ दिस.
नेक्स्ट आई बॉट दिस राइस सेरामाइड द फेस शॉप का मॉइस्चराइजर. ये काफी सही मॉइस्चराइजर है, वेरी लाइट वेट. अगेन आई फील कि इतना लाइट वेट है तो ऑल स्किन टाइप्स को सूट करता है. इट्स वेरी हाइड्रेटिंग गाइस. अगर आप समर्स में यूज कर रहे हो तो भी थोड़ा सा हैवी लग सकता है कुछ स्किन टाइप के लिए, लाइक कॉम्बिनेशन एंड ऑयली स्किन के लिए. आप अगर विंटर्स में यूज करते हो तो काफी सही है. प्लस ये ना अगर आप कंटिन्यूस बेसिस पे यूज करते हो फॉर एवरी डे तो ये आपको एक ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है क्योंकि इसके अंदर राइस है. एंड प्लस सेरामाइड्स आर वेरी वेरी गुड फॉर योर स्किन. आपको पता है जितने भी हाई एंड स्किन केयर होते हैं ना उसमें सेरामाइड्स एंड पेप्टाइड्स होते हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं. ये कोरियन स्किन केयर ब्रांड है द फेस शॉप. नेक्स्ट वॉच आई बॉट टू फाउंडेशंस और दोनों ही काफी अफोर्डेबल हैं. दिस इज एल्फ का फ्लॉलेस सेटिन फाउंडेशन जो कि ड्यू इफेक्ट देता है. और इनका बिल्कुल ऑपोजिट मैंने खरीदा है, ये NYX का बेयर विद मी ब्लर टिंट फाउंडेशन सॉफ्ट बेस. थोड़ा सा ये डार्क कलर हो गया बट ये शेड एकदम परफेक्ट है. जिनकी ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, गो फॉर इट. बहुत ही सही एकदम डूई वाला लुक देता है. एंड जिसकी ऑयली स्किन है ऑफर, ये बहुत अमेजिंग है. बट शेड आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा. बट मैंने गलती से सॉफ्ट बेज ले लिया जो कि हल्का सा मुझे डार्क लग रहा है मेरी स्किन पे. जब मैं अपने फेस पे लगाती हूँ तो कुछ ऑरेंज और डार्क, एक्चुअली इट्स लाइक ऑरेंजी ऑरेंजी बट इट इज कम्प्लीटली मैट फाउंडेशन गाइस. आज का कवरेज भी काफी अच्छा है, इट्स मैट. Yes. इनकी ड्राई पैचेस है ना, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि आपको ये और ड्राई पैचेस ऐसा है. अदरवाइज ऑयली स्किन के लिए इट्स ग्रेट, हाईली रिकमेंडेड. दोनों मैंने यूज किया, दोनों ही मुझे बहुत पसंद है. बट इसके साथ थोड़ा सा मुझे काम ज्यादा करना पड़ता है क्योंकि कई बार ड्राई ड्राई फील कराता है. नेक्स्ट अगेन एल्फ का प्रोडक्ट है. एल्फ एक बहुत ही यू नो इन बिटवीन वाला ब्रांड मैं बोलूंगी. काफी सारे प्रोडक्ट्स के काफी रीजनेबल है काफी सारे प्रोडक्ट्स के. दिस इज एल्फ का मोनोक्रोमेटिक मल्टी स्टिक. ये शेड है ग्लिमरिंग गुआवा जो की एक टैंजरीन शेड है विद लॉट्स ऑफ गोल्ड रिफ्लेक्ट्स. बट इट विल गिव यू अमेजिंग रिजल्ट. एक तो ये ब्लेंड बहुत अच्छा होता है और इसके साथ हाइलाइटर की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें गोल्ड के बहुत अलग से पार्टिकल्स हैं. ये बहुत ही क्रीमी सा है तो मुझे काफ़ी सही लगा. मैंने आई थिंक 250 और 300 में मुझे ये मिल गया है ना. फिर सही डील दे रहे हो भाई एल्फ सच में. आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग मेरे शॉर्ट्स देखते हैं बट वाइटी शॉर्ट्स मैं अपलोड करती हूँ मोस्टली अपने एवरीडे बेसिस पे. तो उसमें मैंने एक ये शेयर किया था, दिस इज चिक पॉप ब्लश बाय डेली फॉरएवर 52. ओ माय गॉड दिस ब्लश क्या अमेजिंग है. सबसे पहले तो इसकी पिगमेंटेशन दिखा दूँ, कोई भी फैन हो जाए. एंड द कलर इज परफेक्ट फॉर समर्स और परफेक्ट फॉर फेयर टू मीडियम स्किन टोन क्योंकि एक तो इसका पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है प्लस इतना कोरल शेड है ना, ये इतना सही लगता है देखने में. फुल साइज मिरर, द पैकेजिंग इज आउटस्टैंडिंग, बहुत ही लग्जूरियस फील होता है. एंड इट्स अ शेड प्रिटी इन पिंक. वैसे कोरल शेड आई डोंट नो उसमें प्रिटी इन पिंक क्यों दे दिया. और ये आपको लेना चाहिए अगर आप ब्लश के दीवाने हो तो, क्योंकि आपको आप ब्राइडल मेकअप भी से बहुत अच्छा कर सकते हो, ब्राइड्स के लिए यूज कर सकते हो. अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो ये आपका बहुत लॉन्ग लास्ट रहेगा. एंड डेली फॉरएवर 52 जो है वो एक प्रोफेशनल मेकअप ब्रांड है, बहुत सारे प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट यूज करते हैं. तो ये मुझे सिंगल नहीं मिल रहा था, एक कॉम्बो में था क्योंकि ये मुझे इतना पसंद नहीं आया. दिस इज इंटेंस आईलाइनर इजी स्केच बाय ब्लू हेवन. इट्स लाइक अ स्केच पेन बट इसमें आईलाइनर वाला इफेक्ट नहीं है. यू नो व्हाट आई मीन, स्केच में कलर होता है जो छोड़ता है, सेम ही आईज पे भी ऐसे हो रहा था. और अगर फाउंडेशन के ऊपर से लगा रहे हो ना तो ये थोड़ा सा ऐसे प्रोडक्ट को हटा रहा है अपनी जगह से, आई डोंट लाइक इट. उसके बाद इसके बारे में बात करें तो दिस इज ब्लू हेवन का जेली एंड बटर SPF 15 है इसके अंदर, तो आपके लिप्स को भी सन प्रोटेक्शन मिलेगी प्लस सो हाइड्रेटिंग. अगर हम किसी हाई एंड ब्रांड से इसे कंपेयर करें तो डेफिनेटली मैं इसे कर सकती हूँ. आई एम द शेड लाइट रेड. इसमें तीन शेड्स आते हैं, तीनों ही आउटस्टैंडिंग है. दिस इज लवली गाइज, लाइक लवली 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 लवली. मैं लवली हो गई, इतना सही है. इसके अंदर जो क्यूट सा हार्ट है जली वाला वो भी बहुत अच्छा है. इतना आउटस्टैंडिंग आपको कलर देता है. आप इसे एज अ चिक टिंट यूज कर सकते हो क्योंकि इसका टिंट जो है वो काफी सुंदर लगता है. यहाँ पे आप देख सकते हो. हाईली रिकमेंड यू गाइज, गो एंड बाय दिस एंड थैंक्स मी लेटर. नेक्स्ट आई बॉट दिस एल्फ का हेलो ग्लो सेटिंग पाउडर. ये काफी पेल येलो कलर में है एंड इसका फिनिश बड़ा ही सही लगा, मुझे तो पसंद आया. प्लस अगर आपको हल्का फुल्का हाईलाइटिंग इफेक्ट देना है, अगेन दिस लूज पाउडर इज सो गुड. बहुत अच्छे से सेट किया इसने फाउंडेशन को, बिल्कुल भी इधर उधर ड्रैग नहीं किया. इट्स वेरी नाइस लूज पाउडर, अगेन अ वेरी अफोर्डेबल टू. नेक्स्ट आई हैव दिस रेवोल्यूशन ब्यूटी लंदन गेम्स ऑफ थ्रोन मस्कारा.
इट्स लाइक अ ओके मस्कारा फॉर मी बिकॉज मैं इतने सारे मस्कारा अप्लाई कर चुकी हूँ कि मुझे लेंथनिंग वॉल्यूमनाइजिंग सब कुछ एक मस्कारे में चाहिए. इट्स लाइक सेपरेटिंग वन और थोड़ा बहुत हल्का सा कोट करता है. जब मैंने इसका यू नो ब्रश एप्लीकेटर देखा था तभी मुझे उससे ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी. इट्स लाइक अ ओके मस्कारा. अगर आप बिगनर हो आपको बहुत ज़्यादा नहीं आता है तो ये आपके लिए काम करेगा. बट जब आप प्रो हो जाओगे और आपको चाहिए कि वो मस्कारा जो सब कुछ कर दे एक बार में तो ये वो नहीं करने वाला. तो आई एम नॉट हैप्पी विद दिस मस्कारा रेवोल्यूशन ब्यूटी लंदन. आई थिंक अगेन कुछ 250 का ही मिला था ये मुझे. नेक्स्ट हुडा ब्यूटी. ये कहाँ पे जा सकता है? हुडा ब्यूटी पे जैसे कि अभी सेल चल रही है, जब भी ऐसे ना सेल चलती है तो हुडा ब्यूटी पे आपको अप टू 50% तक ऑफ मिल रहा है. सोचो अप टू 50, स्पेशली जो उनके आई शेडो पैलेट्स होते हैं, जाओ और ले लो भाई साहब, क्या सही आई शेडो पैलेट्स हैं. वन ऑफ द बेस्ट आई शेडो पैलेट अवेलेबल इन इंडिया गाइस. मेरे को ये भी कुछ 50% ऑफ पे मिल रहा था. लिप कॉन्टोर है बेसिकली, इट्स अ लिप लाइनर. आई एम द शेड सैंडी बेज. इट्स अ ब्यूटिफुल ब्राउन न्यूड शेड. ओ माय, आई एम फैन राइट नाउ. सो गॉर्जियस, लाइक गॉर्जियस से भी गॉर्जियस है ये. एंड मुझे इतना सही लगा. और इसमें ना ऐसे आपको शार्पन करने की ज़रूरत नहीं है, रोटेट करते जाओ प्रोडक्ट बाहर आता जाएगा. बहुत खूबसूरत ब्राउन शेड है सैंडी बेज. और फेयर टू मीडियम पे तो इतना मज़े का लगने वाला है. एंड इट्स मैट, इट्स कम्प्लीटली मैट, लॉन्ग लास्टिंग. एंड ये स्मज प्रूफ भी है. इट्स वेरी गुड. जब ये डील पे मिले तो ले सकते हो आप, क्योंकि आई लाइक इट, आई लव इट. मेरे को ऐसे हुडा ब्यूटी का, मेरे पास लिपस्टिक भी बहुत है, सब कुछ. आई थिंक फुल फेस मेकअप होगा एक्सेप्ट कंसीलर, और लिप लाइनर नहीं था, वो भी मैंने अपनी कलेक्शन में ऐड कर लिया. और इतना परफेक्ट शेड जो मैं एवरीडे में यूज़ करूँगी और मुझे रिग्रेट भी नहीं होगा. देन ये लिपस्टिक मुझे फ्री मिली है एल्फ की लिक्विड मैट लिपस्टिक. मुझे वैसे पता नहीं यही शेड क्यों ले रहा था. इट्स एक पेल पिंक न्यूड शेड, कूल अंडर टोन में है ये. एंड ये हर स्किन टोन को नहीं कॉम्प्लीमेंट करेगी. बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको लिपस्टिक फ्री मिली है और वो भी यूजलेस है तो डोंट वरी, आउटलाइन करो डार्क कलर की लिपस्टिक से या प्लानर से एंड देन यूज़ अ पेल कलर लिपस्टिक, जिससे कि बहुत अच्छा लुक आएगा. जैसे ही मैंने ब्राउन से आउटलाइन किया एंड देन मैंने लिपस्टिक यूज़ करी एंड मैंने थोड़ा सा इसे ब्लेंड कर लिया ताकि थोड़ा सा ब्लेंडेड लुक है. एक मॉवी कलर है बाय द वे, थोड़ा सा ऐसे कूल अंडर टोन में है तो ऑलमोस्ट हर स्किन टोन पर नहीं जाने वाला. बट आई रियली लाइक द पैकेजिंग. अच्छा, मैं आपको शेड बता देती हूँ इनकेस आप शेड में नॉट फॉर सेल लिखा है, क्योंकि मुझे फ्री मिली है. शेड है टी रोज. नेक्स्ट आई वॉट दिस मेबलिन टैटो ब्राउ 3 डेज स्टाइलिंग जेल. आई डोंट नो, मैंने इसे ट्राई क्यों नहीं किया, बिकॉज एक तो ये काफ़ी सही प्राइस पे है, प्लस इससे अपने ब्राउज का मैं सेट कर लिया तो आपकी ब्राउज कहीं नहीं जाने वाली. इवन अगर आप ब्राउज को फिल इन नहीं करना चाहते, यू हैव हैवी एंड थिक ब्राउज, तो ये ब्राउज को इन प्लेस रखने वाला है फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. तो ये काफ़ी सही ब्राउज जेल लगा एंड ये फिल भी करता है. एंड कलर इज सच अ परफेक्ट कलर, ग्रेश ब्राउन कलर. बट इसको लगाने के बाद आपके ब्राउज से ये जल्दी जाने वाला नहीं है, जब तक आप एकदम अच्छा ऑयल क्लेंजर यूज़ ना करो या बामी क्लेंजर यूज़ ना करो. इससे ये उतना बढ़िया लगा मुझे एंड इट्स अ बेस्ट बाय आई फील. नेक्स्ट टाइम जो लास्ट बाय है वो है ये निरोली एंड ऑर्किड लॉसिटेन मिनी परफ्यूम 7.5 ml है मुझे इसमें रिसीव हुआ है. दिस इज़ द पैकेजिंग. आई लव लॉसिटेन के परफ्यूम्स, क्योंकि मैंने एक बार और पहले भी ट्राई किया हुआ है चेरी ब्लॉसम, जो कि मुझे काफ़ी पसंद था. एंड मुझे ना इसके साथ ये बहुत सारे से पैकेट्स में सैम्पल फ्री मिले हैं. आई थिंक इनफ, काफ़ी सारे सैम्पल्स हैं बाय द वे. दिस इज शार ऑयल एंड दिस इज रिपेरिशिंग इंटेंस रिपेयरिंग शैम्पू. दिस इज बॉडी केयर एंड अगेन बॉडी लोशन. इट्स अ नाइट क्रीम, इट्स अ डे क्रीम, इमॉर्टल डिवाइन. काफ़ी सारी चीज़ें मुझे एक्चुअली फ्री मिली है, बट ये बहुत कम होते हैं ट्रायल के लिए मुझे फील होता है. बट दिस इज आवर लुक, इट्स वेरी नाइस. यार इसमें ना ऐसे चमेली पत्तीस वाली खुशबू आ रही है एंड आई डोंट लाइक चमेली की खुशबू बिल्कुल भी, बट इसके साथ इसमें बहुत अच्छी एक और खुशबू है. मुझे इसे स्प्रे में डालना पड़ेगा क्योंकि मैं ऐसे तो इसे यूज़ नहीं कर सकती. ऐसे स्मेल्स नाइस, पर ये कुछ सस्ता ही मिल रहा था मुझे. वैसे लॉसिटेन के परफ्यूम्स काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट मैंने सोचा ट्राई के लिए छोटा ही लेना चाहिए. मैंने एक गुची का परफ्यूम ऑर्डर किया था, वो इतना गंदा स्मेल कर रहा था. आई लाइक, मैंने क्यों अपने 8,000 रुपये फूंक दिए इस पर.
यस कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, इसलिए हमेशा ट्राई कर लो, मेरी तरह नहीं ऑनलाइन वाली बंदी बन के बैठ गई हूँ मैं तो, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। खैर ये था मेरा नायका का हॉल एंड आई होप आपको हॉल पसंद आया होगा। गाइज अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नायका हॉट पिंक सेल स्टार्ट हो रही है तो आप वहां से जो भी चाहो अपने पिंक बॉक्स में ऐड कर सकते हो और उसको बहुत अच्छे ऑफर्स पे ले सकते हो। ट्रस्ट मी नायका पिंक हॉट पिंक सेल इज वन ऑफ द बेस्ट सेल जो नायका निकालती है और मैं भी वेट कर रही हूँ, तो आपको बाद में देखने को मिलेगा, काफी बाद में एक्चुअली देखने को मिलेगा जब मैं हॉल शेयर करूंगी। एंड आपको मेरा व्हाट्स इनसाइड माय हॉट पिंक बॉक्स भी दिखाऊंगी मैं जो मुझे नायका की तरफ से रिसीव हुआ है एज अ पीआर। सो या वेट करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई लव यू, बाय, टेक केयर। अच्छा सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट में पिन कर दूंगी। अब बाय।